इस नारियल के वेस्ट को किस तरह से विभिन्न उपयोगी उत्पादों में परिवर्तित किया जाता है ये आप देख सकते हैं। देखिए यहाँ से लोग इसको ले जा रहे हैं, मैं आपको दिखाता हूँ कि बहुत दिनों से यहाँ पे आके इसको ये इकट्ठा करते हैं नारियल के वेस्ट को, उसका ये इस तरह ले जाते हैं। इस तरह ले जाने के बाद आप आगे देखिए, ये आप देख सकते हैं नारियल के किस तरह से जटा को छुड़ाया गया है। यहाँ पर मशीन लगा हुआ है, इस मशीन का काम है कि नारियल को किस तरह से देखिए वेस्ट नारियल को इस मशीन से पास का मशीन में डाला जाता है। डालने वाली उसमें एक ब्लोअर लगा हुआ है, नीचे इसमें ब्लेड जैसा स्ट्रक्चर है जो मोटर से घूमता है, और वो ब्लेड स्ट्रक्चर पे जैसे ही रॉ मटेरियल वेस्ट मटेरियल जो है नारियल को पड़ता है वो इसको इस तरह के रॉ मटेरियल में परिवर्तन कर देता है। देखिए ये पूरा बाल जैसा स्ट्रक्चर बन गया, वो पूरा जो रॉ मटेरियल था पूरा ब्रेक होके इस तरह का स्ट्रक्चर बन गया। देखिए अभी निकलेगा, ऊपर से उन्होंने डाला और ये नीचे से आप देखिए कि उसने ब्रेक करके पूरा गेयर बाल जैसा पतला पतला स्ट्रक्चर उसने बांट दिया। अब इसका फाइन मटेरियल इसको फिर से ग्रेडिंग करके इसको फाइन मटेरियल बनाते हैं। आप देख सकते हैं कि ये फाइन मटेरियल है, ये इसका पूरा फाइन मटेरियल है। आप देखिए इस फाइन मटेरियल से का उपयोग बहुत जगह रस्सी बनाने में उपयोग करते हैं, वो नारियल की जो जूट की रस्सी, नारियल की जो रस्सी बनती है उसको बनाने में उपयोग करते हैं। इसके साथ साथ हम तकिया पिलो में उसका मैट्रेस गद्दे में इसको भरते हैं, इसको फिलअप करते हैं, फिलअप करके हम अच्छे प्रकार का मैट्रेस बना सकते हैं। इसके बाद इसका डोरमैट बनता है, डोरमैट के साथ साथ चटाई बनती है बहुत प्रकार के, और इसका बास्केट डोरी बनता है। देखिए आप वहां से वो जो वेस्ट नारियल है वो लेके आ रही हैं, आप देख सकते हैं। ले आने के बाद वो इस मशीन के ऊपर से डालेंगी और देखिए उसके बाद सीधे यहां से वो ब्रेक होके रॉ मटेरियल निकलता है, देख सकते हैं। ये पहला प्रोडक्ट है जो वेस्ट नारियल से को मशीन में डालने का पहला प्रोडक्ट निकलता है, और इसको जब हम फाइन करते हैं, फाइन करके एक बार ग्रेडिंग मशीन में चलाते हैं तो जितना मैंने बताया आपको ये प्रोडक्ट मिलता है। और इस प्रोडक्ट को देखिए इसको पहले प्रोडक्ट वहाँ पे स्टॉक करके रखा गया है, इस प्रोडक्ट को अगर हम एक बार और फाइन मशीन से ऑपरेट करके इसको और फाइन मटेरियल में चेंज करेंगे तो हमें इसको मटेरियल प्राप्त होगा। और यही है मेन उद्देश्य, इसको यूज करके विभिन्न प्रकार का अलग अलग सामान बनाते हैं जैसा मैंने आपको बताया। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बहुत अधिक मात्रा में ऐसा उत्पाद रखा हुआ है। तो इस तरह से हम नारियल की प्रथम स्टेप का जो फर्स्ट स्टेज का जो प्रोसेसिंग है, प्रसंस्करण है, वो इस प्रकार से करते हैं। ये बहुउपयोगी सामान होता है जिसके लिए छोटे छोटे यूनिट के रूप में इसको हम बैठा के ग्रामीण स्तर पे रोजगार का सृजन कर सकते हैं, बहुत से लोगों को काम दे सकते हैं, और इस प्रकार से ग्रामीण स्वावलंबन का जो सपना है वो पूर्ण हो सकता है। हर तरह के सामान बनाने के बाद जो फाइन मटेरियल्स है उसको निकालने के बाद जो वेस्टेज वो इस तरह का होता है, और आप देख सकते हैं कि बहुत ही अच्छा फाइन मटेरियल है, फाइन ग्रैनुल्स हैं इसके। तो इसको हम क्या करते हैं, आप देख सकते हैं बहुत बड़ी मात्रा में इसका एक हीप एक ब्लॉक जैसा बन गया है, बहुत ज़्यादा जगह ढेर जैसा आप देख सकते हैं। ये बाय प्रोडक्ट है, ये आप कह सकते हैं कि फाइन मटेरियल निकालने के बाद जो वेस्टेज बच जाता है वो है, और इसका हम बहुत अच्छा इस्तेमाल करते हैं फर्टिलाइजर के रूप में। कोकोपिट जो हम ब्लॉक बनाते हैं उसके बाद इसको हम वर्मी कंपोस्ट के रूप में यूज़ कर सकते हैं, ये हाईली न्यूट्रिशियस होता है। अगर इसको हम अगर फील्ड में अपने खेत में फसल उगाने के लिए इसका इस्तेमाल करें
तो बहुत ही अच्छा मटेरियल है, बहुत ही न्यूट्रिशियस होता है हमारे फसलों के लिए। तो इसको हम वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए रॉ मटेरियल के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके साथ साथ इसका इस्तेमाल जो लोग पोल्ट्री लगाते हैं, जिनके पास मुर्गी फार्म होता है, मुर्गी फार्म में चिक्स के लिए बेड तैयार करने के लिए या फ्लोर के ऊपर बिछाने के लिए, आप ये देख सकते हैं कि इस इंडस्ट्री का हर एक प्रोडक्ट, चाहे वो प्रोडक्ट हो या बाई प्रोडक्ट हो, सबका अपना उपयोग है और बहुत ही अच्छी मार्केटिंग है, बहुत अच्छा डिमांड है। जो मैंने अब दिखाया आपको, आप इस इंडस्ट्री का बाहर का जो नज़ारा है, बाहर से कैसा दिखता है आप देख सकते हैं। हर जगह इन्होंने नारियल के जो वेस्टेज हैं उसको इकट्ठा करके रखा है, जो हम फेंक देते हैं या सामान्यतः लोगों के लिए कोई किसी भी प्रकार के उपयोग का सामान नहीं रहता, उसको देख आप देख सकते हैं। इन्होंने लोकल जगह से, बहुत जगह से इकट्ठा करके बहुत ही बड़ी मात्रा में इन्होंने इस तरह के मटेरियल्स को रखा है। और जैसा मैंने वीडियो में आपको दिखाया, यही मेन प्रोडक्ट है, रॉ मटेरियल से जिससे कि हम अन्य अलग अलग तरह के उत्पाद प्राप्त करते हैं। और आप ये देखिए कि जो सबसे फाइन इसका प्रोड्यूस बाहर आता है, उत्पाद बाहर आता है, यहाँ पे इसको सुखाते हैं, इस तरह इसको सुखाया जाता है, आप देख सकते हैं, इसको बिछा के यहाँ सुखाया जा रहा है। सुखाने के बाद ये इसका जो मॉइस्चर है वो एकदम खत्म हो जाएगा। खत्म होने के बाद इसको हम हर जगह रस्सी बनाने के लिए, तकिया में डालने के लिए पिलो में, उसके बाद गद्दे बनाने के लिए, उसके बाद इसका बास्केट बनाने के लिए, उसके बाद बहुत प्रकार के इसके टॉयज ही बनते हैं, जिसका हाईली डिमांड है भारत के अलग राज्यों में और विदेशों में। इसका बना हुआ जैसे इस अलग अलग प्रकार के टॉयज बनाते हैं। उसके बाद आजकल तो इसके जूते भी बनने शुरू हो गए हैं, जूते के साथ साथ चटाई बनना शुरू हो गया। बहुत से उत्पाद हैं जो इससे बनते हैं। तो ये देखिए, वहाँ से रॉ मटेरियल आपने देखा किस तरह से इसको आप प्रोसेस करते हैं, आपको मशीन हमने दिखाया, मशीन से कैसे फर्स्ट स्टेप का प्रथम लेयर का जो मटेरियल प्राप्त होता है उसको फिर से ग्रेडिंग करके सबसे फाइन मटेरियल प्राप्त करते हैं, और वही फाइन मटेरियल जो है यहाँ पे सूखने के लिए इन्होंने इसका लेयर लगाया हुआ है। तो ये पूरी तरह से एक नारियल के ऊपर, नारियल के वेस्ट को लेकर एक छोटे से मशीन के द्वारा, एक छोटे से प्रसंस्करण यूनिट के द्वारा, आप किस प्रकार से, आपने देखा कई महिलाएं कई पुरुष वहां काम कर रहे थे, किस तरह से उनके संपूर्ण स्वरोजगार का एक मॉडल प्रस्तुत कर सकते हैं, उनको पूरे वर्ष कैसे रोजगार दे सकते हैं, इसके लिए बहुत अच्छा मॉडल है ये, जहाँ पे आप उसके वेस्ट को एक तरह से आप कह सकते हैं वेस्ट टू वेल्थ, कि किस तरह से अनुपयोगी चीज़ों से हम कई प्रकार के उपयोगी चीज़ें प्राप्त करें और लोगों को रोजगार दें। तो ये एक बहुत अच्छा मॉडल बन सकता है। और बहुत बहुत धन्यवाद।